हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं स्टडी करूंगी आपके साथ तीन कंपनीज, उनके बिजनेसेस क्या है, किस फील्ड में काम करती है और प्राइस एक्शन कैसा लग रहा है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी हैज मेड अ लाइफ टाइम हाई। आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ 13 तारीख को, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी है, मतलब इट्स अ वेरी लाइक लाइफ टाइम हाई पे सेलर्स बैठे हुए हैं। Until those sellers are taken out, मुझे लगता है कि निफ्टी को हमें carefully ट्रेड करना चाहिए, और अगर निफ्टी गिरेगी नीचे तो बहुत सारे स्टॉक्स भी नीचे गिरेंगे। 19th is going to be a very very crucial day. So after the Fed meeting, we can expect some kind of decisive movement coming in the market. Till then, we got to be serious. We got to be safe. Right? आज 13 तारीख है, फ्राइडे है, कल 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब आने वाले थर्सडे को आप तक आपको जो है वेट करना पड़ेगा फॉर डिसाइसिव मूव। बट इंडेक्स में थोड़ा हो सकता है इश्यू रहे, बट मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में आपको स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जिस हिसाब से आज निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप ने ब्रेकआउट दिया, मुझे लगता है कि एक शानदार ब्रेकआउट डेवलप हो रहा है। इस वीडियो में बात करूंगी तीन कैश के ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप 10 से 15% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसमें कुछ 5-10% का रहेगा और टारगेट रहेगा 15 से 20% तक का, मतलब छोटा स्टॉप लॉस और डिसेंट टारगेट्स इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। तो शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है उसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज। राइट, ये मैंने कभी स्टॉक आपको दिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपके साथ स्टडी करूंगी। तो ये स्टॉक जो है, नहीं आई थिंक मैंने आप लोगों को दिया है, ये स्टॉक मैंने आपको 9,442 पे दिया था, वहां से इसने 13,500 का हाई लगाया है। आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 13 तारीख को, भी इसमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं। अब आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हैं 11,286 के ऊपर, और ये ट्रेंड लाइन आपका एक्युमुलेशन जोन रहने वाला है। जब भी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे गिरेगा, आप और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी लीजिएगा, बिकॉज 10,000 रुपए का स्टॉक है, 11,000 रुपए का स्टॉक है, तो आप 55,000 में केवल 5 स्टॉक्स आएंगे। आई ऑलवेज से कि आपको परसेंटेज देखनी है, आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि बड़ा बड़ा स्टॉक है कि छोटा। आप लोग लिखोगे मैं बहुत, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अरे 10-11 हज़ार तो हो गया आपके पास ना। और मेरे को लगता है स्टॉक पिटिंग योरसेल्फ, अपने आप को सेल्फ पिटी करना बंद करो कि मैं इतना बेचारा हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मेरे पास भी नहीं था, एक समय था मेरे पास जीरो था, ना कंप्यूटर था, ना फोन ढंग का था, ना सिस्टम्स थे, बट आई हैव स्ट्रगल्ड इन एवरी सिचुएशन, आई हैव स्ट्रगल। और आप लोग यहाँ बैठे हुए लिखते रहते हो, क्यों लिख रहे हो? उस समय में कुछ करो काम अपना, डू सम एक्स्ट्रा वर्क, डू सम वर्क वेर यू कैन जनरेट सम 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा, 500 रुपीज एक्स्ट्रा, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा और वो छोटा छोटा अमाउंट भी आप इकट्ठा कर लोगे। तो ये सोलर इंडस्ट्रीज है, बट सोलर इंडस्ट्रीज को पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज। पहले तो बात करेंगे कंपनी का मार्केट कैप क्या, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 109 का पी, आरओसी 2.5, आरओ इज अबाउट 31, और अगर बात करते हैं तो प्रोज की, तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट सीएजीआर ऑफ अबाउट 28% and company has good return on equity about 30.8%. Or the only thing is ki stock is trading very very high, way above its book value. Sales ki baat karein to 2021 se leke ab tak to 2024 tak sales almost double ho gayi hai, profit double se zyada ho gaya hai, aur operating profit margins 21 se badh ke 27% ho gaya hai. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 100 से बढ़ के 3 टाइम्स इनका नेट प्रॉफिट हो गया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी इनका 3 टाइम्स हो गया है। एवरीथिंग लुक्स प्रीटी गुड। और अगर हम 2013 से अब तक की बात करें तो 6 टाइम्स इनकी सेल्स हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 टाइम्स हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 17% से बढ़ के 25% आ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 126 से बढ़ के 974 करोड़ का हो गया है। और ईपीएस की बात करें तो लुक एट द एक्सपेंशन इन द ईपीएस, 12.85 से बढ़ के 102.23। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स हैव ग्रोन एंड द बोरोइंग्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, बट वे लेसर देन द रिजर्व्स। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देयर इज गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑपरेशन, एंड देयर इज द कंपनी हैज बीन हैविंग अ गुड नेट कैश फ्लो।
डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा स्टेबल है, 50, 44, 55, 51 लाइक दैट, एंड आरओसी इज अबाउट 36%, 32%. प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टैग्नेंट है अबाउट 73.15, एंड एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है, डीआईज ने थोड़ा डिक्रीज किया है, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें कॉन्स्टेंट है. मैंने हमेशा देखा कि जो स्टॉक्स अच्छे होते हैं ना, पब्लिक उनमें बहुत कम अपना होल्डिंग रखती है. तो दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट स्मॉल क्वांटिटी, और टारगेट इंटैक्ट है. पहला टारगेट है अबाउट 20% ऊपर तक का, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है. तो जो भी मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगी ना, उनमें स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, टारगेट्स बड़े होंगे. तो अभी इसका स्टॉप लॉस या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 10,900 का या 10,500 का, 800 का. और आपके टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 12,000 का, फिर 12,500 एंड 13,000 एंड 13,250. ये टारगेट्स आपको सोलर इंडस्ट्रीज में आते हुए दिखाई देंगे. उसके बाद जो मेरे रडार पे एक स्टॉक है, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं. स्टॉक का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज. ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है मुझे. द वर्क दैट दे डू इज वेरी गुड. द कंपनी डिजाइन्स, डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर्स कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशन एंड काउंटर ड्रोन सोल्यूशन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस. It is actively involved in the indigenization of technologies which are beneficial of to Indian armed forces, state police forces and paramilitary forces. Zen Technologies is headquartered in Hyderabad and offices in India, UAE and USA. Aur inke product portfolio ki baat kare to training simulation equipment, counter drone solution, annual maintenance contract, ये सारे ये करते हैं. और मार्केट शेयर की बात करें तो जेन टेक्नोलॉजीज इज द लीडर मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस विद ओवर 95% मार्केट शेयर इन टैंक सिमुलेटर्स. ऑर्डर बुक की बात करें तो दे हैव अबाउट 1401 करोड़ ऑर्डर बुक एज ऑफ जुलाई 2023. और अगर हम बात करें आउट ऑफ 1401 करोड़ ऑर्डर बुक, 437 crore is export order book and 964 crore is the domestic order book. And agar inke geographic split ki baat karein to domestic revenue aata hai 80% and 20% aata hai from the overseas. Aur segments ki baat karein to sales of equipment 92% and AMC is about 8%. Company ki subsidiaries ki baat karein to there are about 5 subsidiaries: Zen Medical, Zen Technologies, Zen Defense Technologies, Unistring Tech Solutions and AI Turing Technologies. Anyway, आगे स्टडी करते हैं. 15,000 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 98 के आसपास है, ROC is about 46%, ROE is about 33%. Not bad. Company is almost debt-free. Company is expected to give good quarter. Company has delivered good profit CAGR of 56.9%. And company's median sales growth is about 27.6% over past 10 years. Again, वही issue है कि stock value is trading at 30 times the book value. Promoters holding has decreased and company has high debtor days. थोड़ा सा concern है वहाँ पे. Sales की बात करें तो 3 साल में sales इनकी 25 गुना हो गई है. Huge, huge jump. और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो -1 करोड़ से 110 करोड़. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -10% से 44% पे आ गया. और फॉर क्वाइट सम टाइम दे आर इनटू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनिशियल क्वार्टर्स में, मतलब जून जुलाई सितंबर दिसंबर 21 टिल अबाउट 3 क्वार्टर्स दे वर नेगेटिव, एंड उसके बाद इन्होंने जो लगातार ग्रोथ दिखाई है, quarter on quarter they have grown, every quarter they have grown. Aur agar aap EPS ki baat kare to there has been an expansion in the EPS as well. Aur agar hum baat kare year on year, the sales in the last 12 years have become 5.5 times. Operating profits ki baat kare to there has been quite a good growth, and operating profit margins are very very decent and stable. नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो एक बार 2014 में जीरो प्रॉफिट भी थे, बट इट स्टैंड एट 161 करोड़ एज ऑफ नाउ. और ईपीएस डेफिनेटली इज ग्रोइंग. और हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स की, तो रिजर्व्स आर प्रीटी गुड एंड द बोरोइंग्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, दे डू हैव गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर इन प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली. और नेट कैश फ्लो की बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव है. उसका रीजन ये है कि इनकी इनके पास काफी बड़ी इन्वेंट्री खड़ी हुई है. दे हैव टू रिसीव 77 करोड़. तो बिकॉज दे आर वर्किंग इन द डिफेंस सेक्टर, द साइकिल इज लिटिल लॉन्गर, एंड दैट इज वाई यू कैन से द डेटर डेज आर ऑल्सो लिटिल
more. But ROC आप देखिए 33%, 2%, 23% and now 46%. Holding की बात करते हैं तो promoters ने अपनी holding को थोड़ा सा dilute किया है. From 60% they have come down to 51%. FIs की बात करें तो उन्होंने अपनी holding को increase किया है 0.35% to 5.86%. DIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है फ्रॉम 0 to 8%. और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है. दिस इज हाउ द फंडामेंटल्स लुक. अब बात करते हैं कि हाउ डज द स्टॉक लुक, लाइक व्हाट इज द प्राइस स्ट्रक्चर टेलिंग मी, हाउ डज द प्राइस स्ट्रक्चर लुक टू मी राइट नाउ. Zen Technologies, दिस इज हाउ द Zen Technologies इज राइट. मैं इसको काफी पहले दे चुकी हूँ आप लोगों को. यू कैन गो एंड रिसर्च इट ऑन द चैनल. ये एक इसका ट्रेंड लाइन था जिसको इसने ब्रेक किया है और स्टॉक गॉट यू नो स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. और अब चलते चलते इसने इस फॉलिंग चैनल को सपोर्ट लिया है एक जगह पे आके और नाउ द स्टॉक लुक्स रेडी फॉर एन अप मूव. कहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है? 1700 ले लेते हैं, बहुत रीजनेबल स्पेस रहेगा. 1600 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1700 आपका बाय जोन रहेगा. आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ खुल जाएंगे टू 1800, 1900, 2000 और 2000 क्रॉस हो जाता है, 1972 क्रॉस हो जाता है तो 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे. इमीडिएट टारगेट लाइक आने वाले 1 महीने के अंदर I do see 1972 और 1972 क्रॉस होने के बाद आपको अच्छे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. बिकॉज द कंपनीज फंडामेंटल्स आर रॉक सॉलिड, द कंपनी स्पेस इज वेरी गुड एंड आई बिलीव दिस काइंड ऑफ कंपनी शुड ऑलवेज देयर बी इन योर पोर्टफोलियो. और जो लास्ट स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मुझे बहुत बहुत अच्छी लग रही है. मैं आप लोगों से क्या पूछना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, बिकम पार्टिसिपेटिव ऑडियंस राइट. आप लोग क्या हो? म्यूटेड ऑडियंस हो. आपका कोई व्यू नहीं होता. आप थैंक्स लिख दोगे, हार्ट बना दोगे, लव यू लिख दोगे, आई लव इट, बट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू. आपकी क्या लर्निंग है? आपने क्या सीखा राइट? वॉट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? यू थिंक वॉट आई एम शेयरिंग इज करेक्ट और नॉट? आप कहीं पे लगता है मैं गलत हूँ, प्लीज रेक्टिफाई मी. आई वॉन्ट यू लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट आई ऑलवेज आई ओनली रीड प्राइस, बट बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आती है एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू राइट. सो अपने जैसे मैंने आपके साथ तीन स्टॉक शेयर करूंगी मैं इस वीडियो में, तो आप लिखिए कि आउट ऑफ द थ्री कौन सा अच्छा लगता है. यू नो ये आपके छोटे छोटे एफर्ट्स आपको बहुत दूर लेके जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप फोर्सफुली करोगे बट करोगे राइट. हर चीज में आप सीरियस हो जाओ, लाइक गेट वेरी डेथ सीरियस अबाउट योर स्टॉक मार्केट जर्नी. आप लोग बहुत फ्रिवलस हो. फ्रिवलस मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव केवल पैसा बनाना है, बट जब आप उसको ये सोच लोगे कि मेरी लाइफ का मिशन है कि मुझे इसमें बहुत अच्छा करना है, तो आप हर चीज में सीरियस हो गए. आप नोटबुक में लिखोगे, आप बाय प्राइस लिखोगे, सेल प्राइस लिखोगे, स्टॉप लॉस लिखोगे, टारगेट लिखोगे, क्वांटिटी लिखोगे, मनी को लिखोगे कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे ये रिटर्न चाहिए. आप सोचोगे कि मैंने एक शॉप खोली और वो शॉप में मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा रिटर्न आएगा राइट. आप सब जगह सोचते हो बट स्टॉक मार्केट में आप लोग सोचते हैं जरूरत नहीं है, ये सीमा जी ने बना दिया है, सीमा मैडम ने बना दिया है, तो बस आंख बंद करके लो. नो, बी पार्टिसिपेटिव ऑडियंस राइट. लिखो इन सारे स्टॉक्स में से आपको कौन सा पसंद आया. तो तीसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है HBL पावर सिस्टम्स. मार्केट कैप है 17,514 करोड़, की पी रफली अबाउट 53.5, आर ओ सी इज अबाउट 36%, आर ओ इज अबाउट 27.7%. आगे चलने से पहले देख लेते हैं किस स्पेस में काम करते हैं. तो दे आर मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स. अगर बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की, तो इन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हैज फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स व्हिच इज TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम फॉर सेफ्टी, एंड TMS व्हिच इज ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एफिशिएंट ट्रैक यूटिलाइजेशन. इन 2021 इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड TCAS एंड एज इंडियाज नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एंड नेम्ड इट कवच. कंपनी हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे. अगर बात करें कि इन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी व्हीकल, कंपनी हैज डेवलप्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन किट फॉर रेट्रोफिटिंग लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर्स बसेस. डिफेंस सिस्टम की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स बैटरीज फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सबमरीन प्रोपल्शन सिस्टम,
टॉर्पीडोज, बैटल टैंक्स, मिसाइल्स, आर्टिलरीज, फ्यूजेस एंड सरप्राइज टाइप 1 बैटरीज. सो प्लीज गो थ्रू द रेस्ट ऑफ इट. प्रोडक्ट सेल से 92% बनाते हैं और सर्विसेज से 6% एंड अदर्स से 2%. HBL एंड एरिक्सन वर्क टूगेदर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ LTE कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. अब जल्दी से इनके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं. कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री, हैज expected to give good quarter, delivered good profit growth of 66% over the past 5 years. Company's working capital has reduced from 115 days to 100. Only thing is, again, it's trading at 14.4 times its book value. Sales ki baat kare, quarter and quarter, there has been a definite growth. And operating profits ki baat kare, to achhe si growth ho rahi hai. Operating profit margins are increasing on a continuous basis, quarter on quarter. आप देखिए, पहले 7%, फिर 9%, फिर 13%, फिर 14%, फिर 17%, 18%, 19%, 22% एंड 21%. लास्ट 5 क्वार्टर से इनकी सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है. प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स हैव बीन ग्रोइंग ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इन लास्ट 3 इयर्स. नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 4 टाइम्स हो गए. और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज पॉजिटिव एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो डेफिनेटली कंपनीज सेल्स आर ग्रोइंग अप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर डबल्ड अप इन द लास्ट 10 इयर्स. और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स. और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है डेफिनेटली एक्सपैंडिंग एंड इज पॉजिटिव. दे आर गिविंग अ डिसेंट डिविडेंड पे आउट एज वेल. और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स हैव मैसिवली स्वॉलन अप एंड बोरोइंग्स हैव गॉन डाउन. And cash from operating activity definitely decent. और अगर हम profits की बात करें तो लगातार increase हो रहे हैं. और the company has, there is a positive net cash flow. Debtor days की बात करें तो थोड़ा सा कम हो गए हैं. और promoters holding की बात करें तो promoters, देखिए promoters अपनी holding को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं. 58.6% से बढ़ा के 59% पे लेके आए. FIIs ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा कम किया है, DIIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बड़ा किया है, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें इंक्रीज हुई है. राइट, तो देयर आर नो रेड फ्लैग्स इन ऑल थ्री ऑफ द कंपनीज. अब क्विकली चल के इस कंपनी के प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं, व्हिच इज HBL पावर सिस्टम्स. HBL पावर सिस्टम्स, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने इसका आपको ऑलरेडी बाय दे रखा है समवेयर अराउंड 624, और वहां से इसने 721 का हाई लगाया. तो मैं अगेन इसको दोबारा से पढ़ना चाहूंगी, इसके प्राइस को. सो हियर इज योर लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन. आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, ये लॉन्ग टाइम ट्रेंड लाइन है और उस ट्रेंड लाइन को इसने आज ब्रेक किया है. टुडे हैज बीन दैट डे व्हेन द ट्रेंड लाइन हैज बीन ब्रोकन. आप इसमें अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं अबव टुडेज हाई. यहाँ पे कहीं जाके आप अपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी को, इनफैक्ट आई वुड से कि आप इस जोन में कहीं पे भी 604 और 635 के बीच में आप कहीं पे भी अपनी बाइंग को इनिशिएट कर सकते हैं. और आपका पहला टारगेट तो यही रहेगा 720, जो इसका पास्ट का बैरियर है. आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 580 का. पहला टारगेट 722 करेगा. तो ध्यान से ट्रेड करिएगा. एज आई टोल्ड यू, मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई. तो थोड़ा वेट करिएगा, अगर कहीं नीचे खुलता है, बीच में खुलता है प्राइस से बिटवीन 600 एंड 635, तो आप यहाँ पे अगर पास पैरल क्रॉस करेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 722. सो आप इस बीच में कहीं पे भी बाय कर सकते हैं. और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, डेफिनेटली यू कैन टेक एन एंट्री एट 635. तो जाते जाते मैं एक चीज भूल गई थी आप लोगों के साथ शेयर करना, वो कि सोलर इंडस्ट्रीज किस स्पेस में काम करती है. बिकॉज ये जानना जरूरी है. बहुत सारे आप लोग ऐसे हो, इधर से स्टॉक का नाम लिया और उधर आप खरीद लेते हो ये जाने बिना कि किस स्पेस में काम करती है, इनका वर्किंग मॉडल कैसा है, कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी, आप सब कुछ नहीं जानना चाहते. मैं बात कर रही हूँ सोलर इंडस्ट्रीज की. और अब इफ वी टॉक अबाउट सोलर इंडस्ट्रीज, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ बल्क एंड कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग कॉर्ड्स एंड कॉम्पोनेंट विच फाइंड एप्लीकेशंस इन माइनिंग, infrastructure and construction industries. Company manufactures high energy explosive delivery systems, ammunition, filling and pyros fuses for defense sector. अगर इनके working space का बात करें, कहाँ कहाँ पे है ये, तो industrial explosive में काम करते हैं. The explosive manufactured by the company is used by a wide range of segments from the mining industry to the housing and real estate industry with its presence spread across 51 plus nations. Market share की बात करें तो solar industry is one of the world's
I'm not talking about India, world's largest leading explosive manufacturer and commands on about 24% in the explosive industry. Its manufacturing unit is in Nagpur, is one of the world's largest single location cartridge plant. Difference ki baat karein to Solar Industries also in the first private player to establish a facility or to manufacture RDX, HMX and TNT, which is used by defense industry to produce propellant, warheads and rockets. The company's defense portfolio also includes the manufacturing of warheads and grenades along with rocket assembly. Initiating system ki baat kare, to the initiating system is a combination of explosive devices and component accessories designed to convey a signal and initiate an explosive charge. Its product portfolio includes electronic detonator, non-electric detonator, electric detonator, plain detonator, cord relay, cast boosters, donating cords, elemented detonator. Aur agar hum baat kare inki revenue wise bifurcation, to bada inka ek Coal India is a big customer, 15% inka stake hai. Institutionals 17%, housing and infra 18%, export about 42%, defense about 7% and others about 1%. और अगर हम बात करते हैं कि इनके ऑर्डर बुक की, तो कंपनी ऑर्डर बुक इन 23 दिसंबर वाज एट अबाउट 4,802 करोड़, विद मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द फ्यूचर ऑर्डर्स आर कोल इंडिया, एसएससीएल एंड डिफेंस, द डोमेस्टिक एक्सप्लोसिव ऑर्डर बुक ऑफ कोल इंडिया एंड सिंगारेनी स्टैंड्स इन INR 2589 करोड़. और अगर हम बात करें, इन मार्च 2024 दे हैव रिसीव्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ 455 करोड़. तो अगर हम बात करें इन्होंने क्या सबसे पहले इंडिया में किया, तो फर्स्ट द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड 6 पिनाका रॉकेट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रॉकेट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द इंडिया. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट द कंपनी इज डूइंग, द कंपनीज फंडामेंटल्स आर गुड. सो तीन कंपनीज जिनकी मैंने आपसे बात की है, सोलर इंडस्ट्रीज, जेंटेक एंड एचबीएल पावर सिस्टम, तीनों रॉक सॉलिड कंपनीज हैं, तीनों बहुत बेहतरीन हिडन जेम्स हैं अगर आपको नहीं पता है और आपको आज पहली बार पता लगा है. एज आई टोल्ड यू कि बी अ पार्टिसिपेटिव ऑडियंस, राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू रियली लाइक, व्हिच स्टॉक लुक्स गुड टू यू, वेयर विल यू इन्वेस्ट, हाउ मच क्वांटिटी, वेयर, एंड बिलीव दैट आई एम रीडिंग ऑल ऑफ इट. आई कम्युनिकेट टू यू थ्रू दिस वीडियो, बट योर कम्युनिकेशन इज थ्रू द कमेंट. Write that you've been watching diligently and making your notes. This is a learning video about price action and different companies. And with this, I'll be signing off. Take care and see you on the live market on Monday from 10 to 11. All the best. See you.